हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर अविनाश मंडलोई, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, मेदांता हॉस्पिटल इंदौर। नी रिप्लेसमेंट सर्जरी में हम जो ये हड्डी घिस रही होती है, इसको कुछ मिलीमीटर्स, जैसे ये एक ऊपर की बोन है, इसको कुछ मिलीमीटर का कट लेते हैं, है ना, और उसके ऊपर एक इम्प्लांट लगा देते हैं। ऐसे ही नीचे वाली हड्डी में भी कुछ मिलीमीटर का कट लेके उसके ऊपर एक टीबियल ट्रे लगाते हैं। अब ये इम्प्लांट आपस में टकराते हैं जब पेशेंट चलता है, तो जब हड्डी हड्डी का घिसना बंद हो जाता है और अब इम्प्लांट आपस में घिस रहे होते हैं, तो कम्प्लीटली दर्द का सोल्यूशन मिल जाता है। आजकल नी रिप्लेसमेंट में बहुत आधुनिक तकनीकों से सर्जरी होती है। अब इसके सक्सेस रेट बहुत हाई हैं, इनफैक्ट वर्ल्ड की होने वाली सबसे कॉमन सर्जरी में आ चुकी है नी रिप्लेसमेंट सर्जरी। अब वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा हो रही है, तो पेशेंट्स काफ़ी खुश हैं और बहुत मिनिमली इन्वेजिव हो चुकी है। आजकल मांसपेशियों में ना के बराबर कट लगता है, केवल चमड़ी में कट रहता है और थोड़े बहुत बोन में भी कट्स जो हैं कुछ मिलीमीटर के कट्स रहते हैं। ऐसे में पेशेंट का रिहैबिलिटेशन बहुत फास्ट हो जाता है। ज़्यादातर पेशेंट डे ज़ीरो ही चलते हैं, जिनकी सुबह सर्जरी होती है वो शाम को रूम में मोबिलाइज हो जाते हैं, पूरा वजन दे के चल पाते हैं, नेक्स्ट डे कॉरिडोर चल लेते हैं और डे टू डे थ्री पे एक मंजिल चढ़ना एक मंजिल उतरना हो जाता है उनका, और दूसरे तीसरे दिन डिस्चार्ज हो जाते हैं। तो अब बहुत कंफर्टेबल हो चुकी है ये सर्जरी, बहुत कॉमन हो चुकी है। और जिन मरीजों को और भी कुछ बीमारियां हैं, बीपी, शुगर, थायराइड वगैरह, तो उनके लिए भी कोई सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में अगर आप सर्जरी करवाते हैं जहाँ सारी स्पेशलिटीज़ अवेलेबल हैं, तो बहुत ईजीली और बहुत स्मूथली सबकी सर्जरी होती है और कॉम्प्लिकेशन रेट बहुत ही कम हो चुके हैं। अब सब सारी अत्याधुनिक चीज़ें जब हमारे पास में हैं, इसलिए इस सर्जरी से डरने की अब कोई आवश्यकता नहीं है।